कप 2019 में भारतीय टीम का पहला मुकाबला दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में से एक जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला जाएगा, जो कि भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच यह मुकाबला हाई वोल्टेज मुकाबला जो कि 5 जून 2019 को खेला जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में इस मैच की प्लेइंग 11 के बारे में बात करने वाले हैं कि वो कौन से भारतीय टीम के 11 खिलाड़ी खेलेंगे इस मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि यह मैच कब और कहां और कौन से स्टेडियम में खेला जाएगा और यह मैच कितने बजे से स्टार्ट होगा। दोस्तों पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहें। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी टीम इंडिया के एक तगड़े वाले फैन हैं तो कर दीजिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक। वहीं दोस्तों इस वीडियो के स्पॉन्सर क्या है, नॉनस्ट्रा प्रो ऐप ने, जो कि कमाल का ऐप है पावर्ड बाय पेटीएम। आप सभी लोग बड़े ही आसानी से पैसे कमा सकते हैं कुछ इसी सिंपल क्वेश्चन के जवाब देकर, जैसे कि कौन सी टीम जीतेगी यह मैच, कौन सी टीम हारेगी यह मैच और कौन सी टीम कितना ज्यादा रन स्कोर करेगी। तो अभी इस ऐप को डाउनलोड करिए जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। डाउनलोड करते ही आपको ऑलरेडी 100 रुपये बोनस में मिल जाएंगे। अब दोस्तों अगर हम बात करें वर्ल्ड कप 2019 में भारतीय टीम के पहले मुकाबला जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला जाएगा, और यह मैच काफी टक्कर काफी रोमांचक का होने वाला है क्योंकि दोनों ही टीम वर्ल्ड की सबसे मजबूत टीमों में से एक मानी जाती है। अगर हम बात करें तो यह मैच 5 जून 2019 वेडनेसडे को खेला जाएगा साउथम्पटन के द रोज बॉल के स्टेडियम में, और यह मैच शाम को 3 बजे से स्टार्ट होगा यानी कि 3 PM से। दोस्तों अगर हम बात करें इस मैच के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के बारे में कि वो कौन से भारतीय टीम के 11 खिलाड़ी खेलेंगे साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस मैच में, अगर हम बात करें ओपनिंग बल्लेबाज की यानी कि सलामी जोड़ी की, तो नंबर एक पर उनके हिटमैन यानी कि रोहित शर्मा जो कि इस टाइम पर काफी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं जो कि ओपनिंग के बल्लेबाजी करेंगे। वहीं अगर हम बात करें नंबर दो की, तो नंबर दो पर उनके शिखर धवन जो कि एक जबरदस्त विस्फोटक बल्लेबाज माने जाते हैं और इस टाइम पर यह भी अपनी शानदार लय में वापस आ चुके हैं। तो ऐसे में रोहित शर्मा और शिखर धवन ओपनिंग के बल्लेबाजी करने वाले हैं और ये वर्ल्ड की नंबर वन जोड़ी भी मानी जाती है। अगर हम बात करें नंबर तीन की, तो नंबर तीन पर उनके वर्ल्ड का नंबर वन बल्लेबाज यानी कि टीम इंडिया का कप्तान विराट कोहली द रन मशीन जो कि हमेशा से ही काफी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और इनके ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड होगी भारतीय टीम क्योंकि ये जिस तरह से वन डाउन की बैटिंग करते हैं किसी भी सिचुएशन में आकर काफी शानदार बल्लेबाजी करते हैं। अगर हम बात करें नंबर चार की, तो नंबर चार पर होंगे विजय शंकर टीम इंडिया के बेहतरीन ऑलराउंडर जो कि ये वर्ल्ड कप में नंबर चार की बल्लेबाजी करने वाले हैं, साथ ही अच्छी खासी गेंदबाजी भी कराते हैं। वहीं अगर हम बात करें नंबर पांच की, तो नंबर पांच पर होंगे टीम इंडिया के सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस विकेट कीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी, जी हाँ, जो कि इस टाइम पर काफी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने पुराने लय में दिखाई दे रहे हैं और ये टीम इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और ये टीम इंडिया में एज ए फिनिशर की भूमिका भी निभाने वाले हैं काम पढ़ने पर। अगर बात की जाए नंबर छह की, तो नंबर छह पर होंगे टीम इंडिया के जबरदस्त ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या जो कि इस टाइम पर ये काफी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, अपने बल्ले और गेंद से काफी शानदार परफॉर्मेंस भी करके दिखाया था आईपीएल 2019 में। वहीं अगर हम बात की नंबर सात की, तो नंबर सात पर दो खिलाड़ियों का नाम सामने आ रहा है जो कि नंबर एक पर केदार जाधव, नंबर दो पर जडेजा जो कि दोनों ही जबरदस्त ऑलराउंडर है, स्पिन बॉलिंग के साथ साथ अच्छी खासी बल्लेबाजी करते हैं। जो कि केदार जाधव वर्ल्ड कप से पहले इंजर्ड है, चोटिल है, जिसके चलते अगर वो वर्ल्ड कप से बाहर होते हैं तो ऐसे में इनकी जगह पर जडेजा खिलाया जाएगा वरना फिर केदार जाधव ही खेलते हुए दिखाई देंगे। तो वहीं इसके बाद नंबर 8 पर होंगे कुलदीप यादव चाइना मैन स्पिनर, जबकि नंबर 9 पर होंगे युजवेंद्र चहल बेहतरीन लेग स्पिनर, जो कि कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल की जोड़ी वर्ल्ड की नंबर 1 जोड़ी मानी जाती है स्पिन डिपार्टमेंट में। ऐसे में इन दोनों ही खिलाड़ियों से काफी ज्यादा उम्मीद होगी वर्ल्ड कप 2019 में जबरदस्त परफॉर्मेंस करने की। अगर बात की जाए नंबर 10 की, तो नंबर 10 पर होंगे टीम इंडिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी। तो वहीं इसके बाद नंबर 11 पर होंगे यॉर्कर किंग, डेथ ओवर के बादशाह कहे जाने वाले जसप्रीत बुमराह। दोस्तों ये भारतीय टीम की प्लेइंग 11 जो कि अगर एक स्पिनर के साथ मैदान पर उतरती है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो ऐसे में कुलदीप यादव को खिलाया जाएगा और युजवेंद्र चहल की जगह पर भुवनेश्वर कुमार को मौका दिया जाएगा। तो वहीं नंबर 4 की बल्लेबाजी के लिए जो कि विजय शंकर की जगह पर दिनेश कार्तिक या फिर केएल राहुल को भी मौका मिल सकता है, हालांकि काफी ज्यादा कम चांसेस हैं क्योंकि बीसीसीआई ने जब भारतीय टीम का अनाउंस किया था तो उस टाइम पर कहा था कि विजय शंकर को हम भारतीय टीम में नंबर 4 की बल्लेबाजी के लिए टीम में शामिल कर रहे हैं। तो गाइस फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपके हिसाब से वो कौन से भारतीय टीम के 11 खिलाड़ी खेलने चाहिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ और कौन सी टीम जीतेगी यह मैच, कमेंट बॉक्स में अपने विचार अपने राय जरूर दें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इसमें आपको मिलने वाली है हर एक न्यूज सबसे पहले।